आज रात 12 बजे तक मार्केट्स बंद करने के इकदाम से दर्जी शदीद परेशान हैं। कहते हैं पहले ही काम कम है, जो ऑर्डर्स आए हैं वो कैसे मुकम्मल करेंगे, इसी पर मजीद बात करेंगे अलिशबा आसिफ से। अलिशबा बताएगा दर्जी हजरात क्या कहते हैं। बिल्कुल, आज रात 12 बजे तक तमाम मार्केट्स जो हैं बंद हो जाएंगी। अब अगले बुध को ही तमाम मार्केट्स खोली जाएंगी, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो परेशान हैं। इसके साथ साथ जो टेलर्स हैं जो काम कर रहे हैं वो भी शदीद परेशान हैं, क्योंकि एंड के दिनों में ही जल्दी जल्दी काम आता है, कपड़े सीने के लिए ऑर्डर्स आते हैं। और दूसरी बात यह कि जो कपड़े खवातीन ने जो कपड़े दिए हैं वो वापस भी लेने हैं इनसे, और वो पेमेंट दे के ही लेने हैं, जिसकी वजह से शदीद परेशान है। इनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा, पहले ही काम नहीं था, अब जब काम चला है तो ये रोला चल पड़ा है लॉकडाउन का, और हमारे लिए बड़ी परेशानी पैदा हो गई है। जिन लोगों के कपड़े हमारे पास आए पड़े हैं वो हमने देने हैं, तो ये साथ में अगर रात 11 बजे बंद हो जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे। और लोग पहले ही हमने किराए देने होते हैं, पहले बड़ी परेशानी है। और फिर दोबारा वही पिछली बार बिजली का बिल भी नहीं अदा किया गया और दोबारा देना है अभी, तो बड़े बहुत परेशानी वाली बात है ये। दर्जी हजरात भी लॉकडाउन के फैसले से परेशान हैं। बहुत शुक्रिया अलिशबा आपने अपडेट किया इस हवाले से। बहावलपुर में लॉकडाउन के हुकूमती फैसले के बाद दर्जी हजरात भी परेशान हैं। बहावलपुर से अपडेट करेंगे अतर लाशारी, अतर बताएगा। बिल्कुल ऐसी है कि जो लॉकडाउन का फैसला किया गया है उसके बाद दर्जी जो है वो सबसे ज्यादा इससे मुतासर हो सकते हैं। इनसे ही पूछेंगे जो टेलर्स हैं कि उनको किस तरह के मसाइल का सामना हो सकता है। लियाकत भाई बताइएगा, अभी तो सिलाई का कटाई का सिलसिला जारी है, कैसे देखते हैं इस लॉकडाउन को? हमें तो सबसे ज्यादा इस चीज़ की फिक्र है कि जो लोगों के कपड़े बना दिए हैं, 300-400 कपड़ा ये आपके पड़ा, अब उन 300-400 लोगों ने तो कपड़े लेकर आने, उनको हम कैसे देंगे? वो फिर हमारे घरों में चक्कर लगाएंगे, कुंडे पीटेंगे। तो इसके लिए कुछ हमारे लिए कुछ थोड़ा सा होना चाहिए, कोई हल होना चाहिए कि इसका क्या हल है। अब जिन लोगों के कपड़े बन चुके हैं वो कैसे लेकर जाएंगे? अगर कल दुकान बंद हो जाती है तो 300 कपड़ा 400 कपड़ा दुकान पर पड़ा है, लाखों रुपए का है, ये कब जाएगा फिर? अतर लाशारी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लॉकडाउन की खबर सुनते ही ताजरों के साथ टेलर्स भी परेशान हैं। मजीद बात करेंगे डीजी खान से, जिशान सफदर से। जिशान कहिएगा। हुकूमत की जानिब से एक तरफ तो लॉकडाउन का ऐलान किया गया है कि ईद के रोज़ और ईद से आगे और पहले जितने भी रोज़ बाकी हैं आज रात से लॉकडाउन का ऐलान किया जा रहा है। तो इस हवाले से जहां पे ताजिर ब्रादर जो है वो काफ़ी परेशान है, मुख्तलिफ दुकानदार परेशान हैं, वहीं पे जो दर्जी हैं वो भी काफ़ी परेशानी में मुबतला दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ढेर सारे ऑर्डर ले रखे हैं, कपड़े ले रखे हैं, कुछ तैयार भी कर चुके हैं और कुछ तैयार कर भी रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको इनकी उजरत नहीं मिली। अगर आज रात से दुकानें बंद हो जाती हैं तो कल से मुकम्मल लॉकडाउन होगा, जिसकी वजह से ये लोग जो कपड़े इन्होंने सिए हुए हैं ये उनकी उजरत हासिल नहीं कर सकते। इस हवाले से हमारे साथ टेलर्स मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनसे हम जानते हैं कि इनको क्या मुश्किलात हैं। आप मुझे बताइएगा, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का ऐलान किया गया, आपकी रोजी रोटी पर क्या असर पड़ेगा? जो कपड़े आपने सिए हुए हैं अभी तक उनकी सिलाई आपको नहीं मिली, तो इस हवाले से कैसे गुजारा होगा? जी बहुत परेशानी हो रही है, जैसे लॉकडाउन हो रहा है, हुकूमत ने लॉकडाउन किया हुआ है तो परेशानी तो होगी साफ ज़ाहिर है। बिल्कुल, काम हमने किया हुआ है, कपड़े उठाने के लिए कस्टमर आएंगे तो फिर हम उधर मिलेगी, हमें परेशानी बहुत सारी, हमें मार्केटें बंद हो चुकी हैं बिल्कुल सारी तकरीबन। तो क्या मुतालबा करेंगे, क्या मुतालबा होगा? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जिशान सफदर आपने अपडेट किया इस हवाले से। सखी सर्वर में दर्जियों का क्या कहना है इस फैसले के ऊपर, बताएंगे अली मूसा। अली बताएगा। जी बिल्कुल, ईद की भी आमद आमद है, मगर आज रात से पंजाब हुकूमत ने तमाम मार्केटों को 12 बजे रात से बंद करने का फैसला किया, जिसकी वजह से जो टेलर मास्टर हैं उनकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि आर्डर उनको सूट सिलाने के इतने मिले हुए हैं कि अब लगता नहीं है कि जो ईद के कपड़े शहरी पहन सकेंगे, क्योंकि जो अब टेलर मास्टर हैं वो तो 12 बजे रात का सुनकर शदीद परेशानी में मुबतला हैं। गाहक भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं कि रात को जो है दुकानें जो है वो बंद हो जाएंगी तो फिर वो कपड़े कैसे उठाएंगे। तो इस हवाले से मैं एक टेलर मास्टर की दुकान पर मौजूद हूँ। हफीज भाई, हुकूमत ने 12 बजे से दुकानें बंद करने का कहा है, क्या तमाम सूट आपने सी लिए हैं? सर ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास सूट की बुकिंग बहुत है और वैसे भी हम परेशान हैं, ये जो लॉकडाउन कर रहे हैं हमसे काम नहीं होगा, लिहाजा हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि लॉकडाउन को बढ़ाए। तो अब दर्जी परेशान है। अली मूसा रजा आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दीगर सेक्टर्स की तरह लॉन्ड्री और कपड़े प्रेस करने वाले शहरी भी मुश्किलात से दोचार हैं, इसी पर मजीद बात करेंगे। मोहम्मद अमीन से, अमीन कहिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, हुकूमती अहकाम के बाद के रात 12 बजे के बाद जो है वो 8 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया जाएगा। उसके बाद दीगर सेक्टर की तरह जो लॉन्ड्री है उनकी दुकानों पर भी शदीद मुश्किलात का सामना है। ना सिर्फ जो दुकानदार है उनको मुश्किलात का सामना है बल्कि जो कस्टमर है जिन्होंने अपने ऑर्डर लेने थे ईद के एक दिन पहले तक भी ऑर्डर उनके पास बुक होते हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना। सबसे पहले दुकानदार से बात करेंगे, बताइएगा कितने ऑर्डर थे आपके पास और कौन सी डेट तक आपने ऑर्डर देने थे? सर हमारे पास जो ऑर्डर है कल तक की डेट में हमने जो ऑर्डर दिए थे जुमेरात तक के दिए थे और हमारा इरादा था जुमे के दिन भी खोलने का, लेकिन अब लॉकडाउन का सुनने में आ रहा है तो परेशान है। कस्टमर्स को भी फोन कर रहे हैं कि भाई वो आए अपने कपड़े ले जाएं ताकि उनकी ईद खराब ना हो, लेकिन सर आप तो हो पा रहे हैं लॉकडाउन लगने की वजह से परेशान हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन आपने अपडेट किया इस हवाले से। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।